दिल्ली के नॉर्थ कैंपस के पास एक लड़की ने पीजी लिया। चंडीगढ़ से यहाँ पढ़ाई के लिए आई थी। लड़की ने बताया इस बिल्डिंग में और भी कई कमरे थे, पर उसके बगल वाले रूम से डेली रात को आवाज़ आती थी। आवाज़ ऐसी जैसे कोई रिचुअल चल रहा हो। इसके बारे में यहाँ के ऑनर को भी बताया और फिर आसपास के और भी कमरों में रह रहे लोगों से पूछा, किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं सुना था। एक रात ऑनर खुद लड़की के कमरे में आया और कहता कि मैं भी तो सुनूं कौन है जो ऐसा कर रहा है। वो आवाज़ रात के 12 बजे के बाद ही आती थी, लेकिन जब ऑनर देखने आया तो उसने कुछ भी नहीं सुना, कोई आवाज़ नहीं आई। उसे लगा लड़की को कोई गलत फहमी हुई होगी। वो लड़की को बिना कुछ कहे रूम का दरवाज़ा खोला और बाहर चला गया। वो अभी बाहर आया ही था कि कमरे के अंदर से चीखने की आवाज़ आई। वो आवाज़ सुन के आसपास के लोग भी अपने कमरों से बाहर आ गए और ऑनर जिस लड़की के कमरे में था वो लड़की किसी और के कमरे में बैठकर अपनी एक फ्रेंड के साथ पढ़ाई कर रही थी। जब वो अपनी फ्रेंड के साथ बाहर आई तो ऑनर ने देखा कि जब ये यहाँ थी तो अब तक मैं कमरे में किसके साथ था। मेरा नाम प्रवीण है और मैं यहाँ आप ही की भेजी गई कहानियाँ सुनाता हूँ। गुड़गांव के उद्योग विहार से एक लड़की ने देर रात कैब बुक करी। वो किसी काम की वजह से ऑफिस में रुकी हुई थी। थोड़ी देर में जब कैब आई उसने अपना बैग वैग रखा और बैठ गई। गुड़गांव से दिल्ली की तरफ आते समय टोल पार करते ही थोड़ा आगे जाके कैब रुक गई। इस वक्त गाड़ियां बिल्कुल ना के बराबर थी। लड़की ने ड्राइवर से पूछा, क्या हुआ भैया? ड्राइवर गाड़ी से बाहर आके किसी से बात करने लगता है और उसकी बहस हो जाती है। तब लड़की को कुछ गड़बड़ लगी। उसने ऐप से ही इमरजेंसी मदद मांगी। 5 मिनट से भी कम समय में वहां पे पुलिस आ पहुंची। लड़की ने उन्हें सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे ड्राइवर की किसी से लड़ाई हो गई थी और मुझे डर लगने लगा तो मैंने मदद मांगी। पुलिस वालों ने पूछा, ड्राइवर कहाँ है? लड़की ने बताया वो अभी बाहर ही था। पुलिस वालों ने देखा तो वहां कोई नहीं था और गाड़ी में चाबी भी नहीं थी। फिर लड़की ने ऐप में जाके देखा तो उसकी राइड भी कैंसिल हो चुकी थी। पर ना तो पुलिस वाले कुछ समझ पाए और ना वो लड़की कि बिना चाबी और ड्राइवर के वो गाड़ी में यहां तक आई कैसे। कानपुर में रहने वाले अक्षय जो एम्बुलेंस चलाते हैं, उन्होंने जब से एम्बुलेंस ड्राइविंग शुरू की है तब से लेकर आज तक कई सारे केसेस वो देखते आए हैं। पर 2 साल पहले नवरात्रों से ठीक पहले श्राद्ध के महीने में अक्षय का सामना उनसे हो ही गया, जो कि अचानक हुआ और बहुत खौफनाक था। कहानी को अब उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, एम्बुलेंस ड्राइवर कुछ ना कुछ हादसों से घिरे रहते हैं। मरे हुए लोगों की बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम, मरीजों को हॉस्पिटल तक ले जाना, हम लोग ऐसे ऐसे हालातों से गुजरते हैं कि कमज़ोर दिल वाले लोग कुछ ही देर में अपना होश खो बैठे। कई बार इमरजेंसी में लॉन्ग रूट्स पर भी सफ़र करना पड़ता है। 2 साल पहले श्राद्ध की बात है, दूसरा दिन था और मैं अपने पितरों की पूजा करके बस निकला ही था कि हॉस्पिटल से फोन आ गया। बात की तो पता चला कि किसी बुजुर्ग आदमी का इंतकाल हो गया है और उनकी डेड बॉडी उनके गांव तक ले जानी है। अगले 1 घंटे में मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचना था। अभी तक तो मैंने खाना भी नहीं खाया था। मैंने अपनी बीवी को कह दिया कि तुम मेरा खाना टिफिन में पैक कर दो, अगर देर हो गई तो मैं रास्ते में ही खा लूँगा। और फिर जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते रात हो गई। जब हॉस्पिटल पहुंचा तो वहां 4 लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे। डेड बॉडी को एम्बुलेंस में रखवा दिया और फिर 2 लोग डेड बॉडी के साथ पीछे ही बैठ गए। बुजुर्ग आदमी का गांव काफ़ी दूर था यहां से, सफ़र लंबा होने वाला था। रास्ते में हमें 3 बार रुकना भी पड़ा था।
पर जब उस बुजुर्ग आदमी के घर पहुंचे तो मेरे लिए तो ये रोज का काम था, पर उनके घर वाले जिस तरह से रो रहे थे वो देख के तो मेरी भी आंखें भीग गई। जब मैंने घर वालों से विदा लेने के लिए कहा तो उनके घर वालों ने कहा कि मैं रात को वापस ना जाऊं, सुबह निकल जाऊं तो बेहतर होगा। लेकिन मैयत के घर में रुकने से बेहतर मैंने सोचा कि अभी निकल जाता हूं, यहां मैं उन्हें ऐसे नहीं देख पाऊंगा। उनका घर जहां था वो इलाका किसी कच्चे रास्ते पर था, मुझे वापस जाने में भी टाइम लगने वाला था। अंधेरी रात और चारों तरफ खामोशी पसरी पड़ी थी। एक एम्बुलेंस ड्राइवर होने के नाते हमें बहुत मजबूत होना पड़ता है, लेकिन आज भी जब उस रात और उस रास्ते के बारे में सोचता हूँ तो मेरे अंदर खौफ पैदा हो जाता है। अंधेरे की वजह से मुझे बार बार वहम होता कि गाड़ी के सामने कोई आ गया है। मैं बार बार ब्रेक लगाता, पूरे ध्यान से रास्ते पर नज़र जमाए मैं गाड़ी को पक्के रास्ते पर ले आया। वैसे तो उस रास्ते पर कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट जल रही थी, पर एक अनजाने से खौफ ने मुझे घेरा हुआ था। भूख भी बहुत लगी थी, सोच रहा था कोई सेफ जगह दिखे तो गाड़ी रोककर खाना खा लूं, ऐसा ना हो कि सफ़र में ही वक्त गुजर जाए और खाना यूं ही पड़ा रह जाए। थोड़ी देर चलते हुए मुझे रास्ते के किनारे बने कुछ कच्चे घर नजर आए। गाड़ी मैंने कच्चे रास्ते पर उतारते हुए वहीं साइड में खड़ी कर दी। वो जगह काफ़ी शांत सी थी। मैंने टिफ़िन निकाला और खाना खाने लगा। जल्दबाजी में पानी की बोतल रखना भूल गया था। प्यास भी लगी थी और आसपास कुछ घर थे तो सोचा किसी से पानी मांग लेता हूँ, पर इतनी रात को किसी को परेशान करना भी ठीक नहीं लग रहा था। ये सोचकर मैं गाड़ी से बाहर निकला और एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी। मुझे घर के अंदर से कुछ हलचल सी तो महसूस हुई, लेकिन ना तो अंदर से कोई आया ना किसी की आवाज़ आई। फिर वहाँ से आगे बढ़ा और दूसरे घर के दरवाजे पर दस्तक दी। वहाँ भी वैसा ही हुआ। घर में हलचल सी तो महसूस हुई लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला, किसी की आवाज़ भी नहीं आई। मैं अब अगले घर की तरफ बढ़ा ही था कि मुझे मेरे पीछे से किसी के भागने की आवाज़ आई, जैसे कुछ लोग भाग के झाड़ियों में चले गए। मैं ये आवाज़ सुनते ही पलटा, लेकिन वहाँ बिल्कुल खामोशी और सन्नाटा। ज़मीन की कुछ मिट्टी उड़ी हुई थी, जैसे अभी अभी कोई भाग के गया है। मैं घबराकर वापस एम्बुलेंस की तरफ चल दिया। अब तो उन घरों से भी मुझे बहुत डर लगने लगा था। मैंने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और पक्की सड़क पर ले आया। अभी सड़क पर आया ही था, मैंने देखा कि वहाँ सामने तीन आदमी खड़े हैं। वो तीनों मुझे रुकने का इशारा कर रहे थे। मैं उनके करीब से गुजरा तो ना चाहते हुए भी मैंने गाड़ी रोक दी। उन तीनों के चेहरे बड़े अजीब से थे, जैसे किसी बीमारी की वजह से बिगड़ गए हों। तभी एक आदमी आगे बढ़ के कहने लगा, हमें तुम्हारी गाड़ी की जरूरत है, हम बीमार हैं और आगे पैदल चल के नहीं जा सकते, तुम हमें आगे दूसरे गांव के पहले उतार देना। अभी तक मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया था, पर उन्होंने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गए। मुझे पता नहीं मैंने वो दरवाज़ा लॉक किया था कि नहीं, मुझे ध्यान नहीं, पर अगर दरवाज़ा लॉक था तो उन्होंने इतनी आसानी से उसे कैसे खोल दिया। मैं सामने शीशे में उन्हें देख रहा था। तीनों बैठने के बाद मुझे घूर के देखने लगे। इन तीनों के ऐसे बर्ताव से मुझे घूर के देखने से अब घबराहट सी होने लगी। मैंने अपने सर झटकाकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। अभी थोड़ा आगे बढ़े ही थे, मुझे मेरे कंधों पर भारीपन सा महसूस होने लगा। बार बार झपकी सी आने लगी, जैसे मैं नींद में गाड़ी चला रहा था। एक दो बार तो गाड़ी हाथों से निकलती हुई महसूस भी हुई। मुझे शरीर पर इतना दबाव महसूस होने लगा कि मेरे हाथ तक अकड़ गए और गाड़ी उबड़ खाबड़ रास्तों पर चढ़ गई। गाड़ी अभी पलटने ही वाली थी कि ना जाने कौन सी नेकी काम आ गई, मेरे हाथ पैरों में अचानक जान सी महसूस हुई।
और इससे पहले कि गाड़ी पलटती मैंने गाड़ी के ब्रेक लगा के उसे रोक लिया। मेरा सर स्टीयरिंग से जा लगा, आंखों के आगे धुंधलापन सा छाने लगा। थोड़ी देर तक तो मैं उसी हालत में लंबी लंबी सांसें लेता रहा और जैसे ही उन तीनों का ख्याल आया मैंने पलटकर देखा, उनमें से एक नजर आया और वो अभी भी मुझे घूर के देख रहा था। मैं खुद को संभालता हुआ गाड़ी के नीचे उतरा कि कहीं वो दोनों गिर ना गए हों, उन्हें लग ना गई हो। और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला वहां कोई नहीं था। ये कैसे हो सकता है, मैं बड़बड़ाता हुआ कुछ सोचता हुआ वापस अपनी सीट पर बैठा। जैसे ही सामने शीशे पर नजर पड़ी तो चौंक गया, वो तीनों अपनी अपनी जगह पर बैठे मुझे देख रहे थे। तब मैंने हिम्मत करते हुए कहा, आप तीनों यहीं उतर जाओ, गांव यहां से थोड़ी ही आगे है। लेकिन वो तीनों बिना कुछ कहे मुझे घूरते रहे। मैं गुस्से में उनसे कहने लगा, आप गाड़ी से उतर के अपना रास्ता लीजिए, मैं इससे आगे आपको नहीं ले जा सकता। ये कहते हुए वापस से पीछे का दरवाजा खोला तो एम्बुलेंस खाली थी। अब मैं समझ गया था उन तीनों का अजीब तरीके से मुझे घूरना, मेरी तबीयत का बिगड़ना, उन तीनों का अचानक से गायब हो जाना और फिर से नजर आना। यकीनन उस वक्त मेरे पीछे कोई बुरी शक्तियां लग गई थी जो ना जाने मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहती थी या बस डरा रही थी। मैंने एम्बुलेंस को वैसे ही छोड़कर सड़क पर आगे की तरफ दौड़ लगा दी। भागता भागता आगे एक चौराहे पर पहुंचा, दो पुलिस वाले वहां मौजूद थे। वो मुझे देख के अलर्ट हो गए, उन्हें लगा कि कोई लूटपाट या चोरी हो गई है। मैं उनके पास पहुंचते ही बिना कुछ कहे हांफते हुए वहां कुर्सी पर बैठ गया। फिर जब थोड़ा नॉर्मल हुआ तो उन्हें सारी बात बताई। मेरी बातें उन्होंने तसल्ली से सुनी, कहा कि परेशान मत हो, यहां अक्सर रात को ये सब होता रहता है। लोग बताते हैं कोई तीन आत्माएं हैं जो इस रास्ते पर रात को किसी को अकेला पाते हैं तो उन्हें परेशान करने लगते हैं। यहां पर भी पहले एक ही पुलिस वाले की ड्यूटी हुआ करती थी, लेकिन जब उन तीनों ने डराना शुरू कर दिया तब से यहां पर दो लोगों की ड्यूटी लगा दी गई है। हर दो दिन में यहां कुछ ना कुछ ऐसा होने लगता है। तुम यहीं बैठो, थोड़ा दिन निकल आए तब वापस चले जाना। और फिर सुबह होने तक उन्होंने यहां हुए कई और हादसों और किस्सों के बारे में मुझे बताया। सुबह उनमें से एक पुलिस वाला मेरे साथ एम्बुलेंस तक आया। गाड़ी वैसी की वैसी ही थी, दरवाजे खुले हुए थे जैसे कि मैं उसे छोड़कर भाग गया था। डरते हुए अपने कांपते हुए हाथों से मैंने एम्बुलेंस स्टार्ट की और फिर वापस निकल पड़ा। बार बार शीशे पर नजर जाती कि कहीं दोबारा से वो तीनों नजर ना आ जाएं, लेकिन भगवान का शुक्र है पूरा रास्ता अब आराम से कट गया। पर मेरी तबीयत में भारीपन अभी भी था। हॉस्पिटल पहुंच के गाड़ी पार्किंग में लगाई और छुट्टी लेके घर वापस आ गया। घर पहुंचते पहुंचते काफी तेज बुखार चढ़ गया था। मैंने अपनी बीवी को रात का सारा वाक्य सुनाया, फिर उसने कुछ पढ़ के मेरे ऊपर गंगा जल का छिड़काव किया तो शरीर हल्का सा महसूस होने लगा। पर कुछ दिनों तक तबीयत ऐसी ही बनी रही। बाद में एक पंडित जी को भी दिखाया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो कोई भी ऐसे इन आत्माओं के भूत के कांटेक्ट में आ जाए तो कई दिनों तक उनका असर रहता है। उसके बाद मैं दोबारा कभी उस रास्ते पर नहीं गया। पर मैं सोचता हूँ कितने ही ड्राइवर जो रात को वहां से अकेले गुजरते हैं उन आत्माओं ने ना जाने कितने ही लोगों को डराया होगा, हो सकता है कईयों को नुकसान भी पहुंचाया हो। और उन पुलिस वालों की भी हिम्मत की दाद देता हूँ जो सब कुछ जानते हुए भी उस खौफनाक सड़क पर अपनी ड्यूटी करते हैं।
उम्मीद है आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अपनी कहानी आप मुझे ऑडियो फॉर्मेट में भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में बाकी की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। जल्दी मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, बस दुआओं में याद रखना।